गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भावना मदान है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि अभी लॉकडाउन के अंदर हम सब घर में बैठे हुए हैं और हम सब के सामने हो क्या रहा है, हम सब के साथ हो रहा है कि डे बाय डे क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं रही है और कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आ रहा है कि हम लोग ओवरवेट होते चले जा रहे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन दे पाएं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दे पाएं। तो चलते हैं कि हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हेल्थ है क्या। बेसिकली हम ये बताना चाहेंगे कि अगर हमें सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ क्या है। एक्चुअली हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ मानते हैं तो हम हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम डिजीज़ से प्रोन नहीं है तो हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। हमें फिजिकली तो हम हेल्दी हैं, अगर मेंटली और सोशली भी हम हेल्दी हैं तो हम अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। अब अगर रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाएं तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम मतलब बहुत पूरा टाइम अगर हम देखें तो हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो टाइम है ना, हम वेल्थ को गेन करने में लगा देते हैं। मींस हम हेल्थ को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुबह भागम दौड़ इतनी होती है, रात तक हम घर आते हैं हमें नहीं पता कि हमारा खान पान क्या है, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिसकी वजह से हम वेल्थ तो गेन कर लेते हैं लेकिन होता क्या है कि एट लास्ट जब हमें इस वेल्थ को एंजॉय करने का टाइमिंग आता है तो हम अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते और उस हेल्थ को पाने के लिए हम डिजीजेस प्रोन हो जाते हैं। और उस हेल्थ को पाने के लिए जितनी भी पूरी लाइफ की हम लोगों ने जो वेल्थ कमाई होती है वो हम डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में दे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी प्रॉपर हेल्थ को रीगेन नहीं कर पाते। अब हम इस हेल्थ को अर्न कैसे कर सकते हैं, इस हेल्थ के पिलर्स क्या हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है एंड न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इस न्यूट्रिशन के अंदर, बैलेंस्ड डाइट के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमारी डेली बेसिस पर हम लोगों को चाहिए होते हैं। हमारी लाइफ के अंदर, हमारे डाइट के अंदर मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, फाइबर्स हो गए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। अब हम इस फूड पिरामिड की तरफ जाते हैं। इस फूड पिरामिड को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, हमें बहुत अच्छे तरीके से कितनी चीज, कितनी सर्विंग्स, कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, ये फूड पिरामिड हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। लेकिन आजकल हमारे इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हो क्या रहा है कि ये फूड पिरामिड टोटली उल्टा हो गया है। जो चीज हमें कम चाहिए वो हम एक्सेसेस में ले रहे हैं और जो चीज हमें ज्यादा चाहिए वो हम लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं। अब इस फूड पिरामिड के उल्टा होने से क्या हो रहा है, अब ये देखेंगे कि ये फूड पिरामिड हमारा उल्टा कैसे हो रहा है, कैसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के हमारे फूड में। दो तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, एक तो हमारे खाने के अंदर चैलेंज आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि या तो हम सिर्फ टोटली कैलोरीज, जो कैलोरीज से भरे हुए फूड है या तो हम सिर्फ वो लेते हैं, या हमारे जो बिवरेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होती है, या हम बिवरेजेस बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है, हमारी डाइट के अंदर शुगर और सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एड ऑन हो गई है और वेराइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से हम लोग चूजी हो गए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, यानी कि लो क्वालिटी का फूड खाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और दूसरा जो हमारे साथ चैलेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं लाइफस्टाइल चैलेंजेस। वो लाइफस्टाइल चैलेंजेस किस तरह के हो रहे हैं,
हमारे जो आज की लाइफ है, जैसे हम सबको पता है कि आज का जो लाइफस्टाइल है इतना स्पीडी है, इतना पेस्ड है कि हम लोगों के पास अपने हेल्थ की तरफ फोकस करने का टाइमिंग ही नहीं होता। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि हम वेल्थ कमाने के चक्कर में अपनी भागदौड़ करते रहते हैं लेकिन हेल्थ की तरफ कभी फोकस नहीं करते हैं। ईटिंग ऑन द रन, वही कि घर से निकलते हैं, ऑफिस का टाइमिंग हो रहा है, फटाफट हाथ में परांठा रैप किया या हाथ में ब्रेड रैप करी और रास्ते में खाते खाते जाते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत, क्योंकि लाइफ बहुत स्पीडी है, पेस बहुत फास्ट हो गई है, इस वजह से हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स है वो भी बहुत हाई हो गए हैं। मील्स, अक्सर जो हमारे साथ चैलेंजेस आते हैं कि हम मील्स को बहुत स्किप करते हैं। अगर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच स्किप हो गया, अगर लंच कर लिया तो डिनर स्किप हो गया, इस तरह से हमारे जो मील्स है वो बहुत स्किप होते हैं। और दूसरा, क्योंकि हम थक जाते हैं, पूरा दिन इतनी भागम दौड़ रहती है, इस वजह से जो हमारी एक्सरसाइजेज है उसका जो रूटीन है वो बहुत कम हो गया है। और लास्ट बोलूंगी कि जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो कि हमारे हैंड में ही नहीं है, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब इन सब चैलेंजेस का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ओबेसिटी की तरफ जाता है। यानी कि जितनी भी पीछे स्लाइड है, इन सब का जो कनेक्शन है, ये सीधा हमारे ओबेसिटी की तरफ जाता है। लेकिन ओबेसिटी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी एक्चुअली है क्या। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के माइंड में एक चीज रहती है कि अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मैं ओबीज हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा वेट ज्यादा है लेकिन फैट हमारा नॉर्मल है तो हम ओबीज नहीं है। अगर हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है तो हम अपने आप को ओबेसिटी की कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर हमारी हाइट ज्यादा है और हमारा वेट ज्यादा है लेकिन फैट नॉर्मल है तो वी आर नॉट ओबीज। अब ओबेसिटी के कॉजेज, जनरली रीजंस क्या है, किस वजह से ओबेसिटी होती है, वही मैंने पीछे भी यही सेम चीज एक्सप्लेन करी है कि हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, एक्सरसाइज के कम करने की या एक्सरसाइज बिल्कुल ना करने की वजह से, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, या फिर हमारी मेडिकेशन, दवाइयाँ हमारी बहुत चल रही होती हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, या फिर हमारे अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम ओबेसिटी के उसमें चले जाते हैं, ओबेसिटी की कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर हमने ये जानना है कि हम ओबेस हैं या नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि अगर आपने ये जो ओबेसिटी का हमारा कनेक्शन हमारे बीएमआई से है, बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स से, ये बीएमआई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपने वेट और हाइट मीटर स्क्वायर, हम अपनी हाई वेट से अगर हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज आई जस्ट वांट टू गिव यू एग्जांपल, सपोज अगर आपका वेट 65 केजी है और आपकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर्स है, लेकिन हमने यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, मीटर स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 1.54 into 1.54, तो ये बेसिक एक फॉर्मूला सा बन जाएगा जिससे आपकी बीएमआई निकल आएगी। वेट को हाइट इन मीटर स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपकी बीएमआई निकल आएगी। अब आइए जानते हैं कि इस बीएमआई से को देख के हम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका जो वेट है वो हेल्दी वेट है, और अगर आप 25 से 29.9 की कैटेगरी के बीच में है तो यू आर ओवरवेट, और अगर 30 से 39.9 की कैटेगरी में आते हैं तो यू आर ओबीज नंबर वन, और अगर आप ग्रेटर देन 40 हो जाते हैं तो यहाँ पर इवन देन अगर मैं कहूँ तो 30 से 39 की कैटेगरी में भी हमें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन 40 को तो क्रॉस करते करते वी आर स्वियर ओबीज। तो हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ तक अपने आप को ले आए तो यहाँ पर फिर हमें अपने आप को बैक में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ओबेसिटी का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो सीधा 80-20 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। 80% हमारा डाइट डिसऑर्डर और 20% हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और ये ओबेसिटी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या हो सकता है अगर हम ओबीज हैं,
मैं कोई आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू अवेयर यू कि ओबीज होने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमें कैंसर रिस्क हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती हैं, और वो बहुत सारी फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कि वो कंसीव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 70% जो हमारी डॉक्टर विजिट्स होती हैं वो हमारी डाइट रिलेशन कंडीशंस की वजह से होती है, यानी कि हमारा गलत खान पान की वजह से हम 70% जो हमारी डॉक्टर्स विजिट्स रहती हैं वो गलत खान पान की वजह से रहती हैं, और 70% जो हम मेजर किलिंग डिजीज हम लोगों को होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होगी, डायबिटीज होगी, ये डायरेक्टली हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से, जो मैंने अभी पीछे भी बताया कि 80-20 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं और अपनी डाइट के अंदर अगर हम न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करते हैं तो हम 50% हम लोग अपने आप को, यानी कि हम अपनी 50% हेल्थ हम अपने हैंड्स में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 50% हेल्थ। अब लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए इतने बिजी मत होइए कि आप अपनी लाइफ को भूल जाओ, अपनी हेल्थ को भूल जाओ। आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। फर्स्ट आप प्रायोरिटी, गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, देन वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आए ही आएगी। अगर हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं तो वेल्थ तो हम कमा ही लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू वेरी मच आज बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जैसे कि आज हम जानते हैं, आज हमारा टॉक शो है तो भावना जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो आज हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक हाउसवाइफ हैं, रमनदीप कौर जी, जो आज हमारी तरफ से क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो आज वो जोरदार तरह से उनका स्वागत करते हैं। रमनदीप जी, ओवर टू यू, आप को-होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आपने गलत उसको किसी और आईडी को कर दिया, रमनदीप, वन मोर रमनदीप इज देयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो मैं भावना मैम जी को तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इतनी वंडरफुल नॉलेज। मतलब मैं हैरान हो रही थी कि हम लोग इतने सालों से वेट मैनेजमेंट, हम सोचते हैं कि हमने वेट मैनेजमेंट के ऊपर PhD की हुई है, हम लोगों ने इतने पापड़ वेले हुए हैं वेट कम करने के लिए, बट इतनी वंडरफुल नॉलेज इतनी डेप्थ में मुझे आज तक नहीं मिली। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। और आपकी इन्फॉर्मेशन सुनते सुनते, आपकी स्लाइड देखते देखते कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं राइट नाउ। पहले तो मैं पूछूंगी कि जो आप ओवरऑल हेल्थ का बता रहे थे और हमारा जो ये प्रोग्राम है ये वेट मैनेजमेंट का है, तो हेल्थ वेट मैनेजमेंट से कैसे इंटरकनेक्टेड है? हमारा ये जो प्रोग्राम है वेट मैनेजमेंट के ऊपर है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि 80-20 का कॉन्सेप्ट हमारा जो ये प्रोग्राम है, हम लोगों ने 80-20 के कॉन्सेप्ट के ऊपर लिया है कि हमारा वेट मैनेजमेंट हमारे 80-20 कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है। 80% हमारे हमें अपनी डाइट को करेक्ट करना पड़ेगा और 20% हमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने अपना 80% करेक्ट कर लिया लेकिन 20% की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो 80% भी आपका वेस्ट जाएगा, और अगर आपने 20% करेक्ट कर लिया और 80% की तरफ फोकस नहीं किया तो वो भी आपका टोटली वेस्ट है। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो 80 और 20 के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। मैम 80% वाला समझ में है, 20% आपने बोला एक्सरसाइज, 20% एक्सरसाइज तो सबको समझ में आ गया होगा, जनरल टर्म है कि हम लोग को एक्सरसाइज करते हैं, कोई वॉक करता है, कोई जिम में जाता है, बट 80% डाइट करेक्शन वाला मुझे क्लियर नहीं है।
अभी आप पहले में 20% यहाँ पे सिर्फ जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज को ऐड ऑन नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्सरसाइज ही हमारे लाइफस्टाइल की करेक्शन है. एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपने वाटर हाइड्रेशन के ऊपर बहुत हम लोगों को फोकस करना होता है, वो भी हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है. और हमें अपनी स्लीपिंग के ऊपर बहुत फोकस करना है, हमारी बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए उसके ऊपर बहुत फोकस करना है. हमें अपने सोशल एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी रखना है. ये सारे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ही आते हैं. ये सारे पार्ट्स को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल करेक्ट हो गया. हमें हम कौन से टाइमिंग पे also in lifestyle तो हमारे टाइमिंग्स बहुत गलत होते हैं, तो हमें अपने टाइमिंग्स को एक्यूरेट करना भी बहुत जरूरी है. तो दिस इज ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. मैम हाइड्रेशन के वर्ड से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाइड्रेशन मींस कि वाटर इनटेक, तो वाटर इनटेक का वेट मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रमनदीप जी. एक्चुअली अगर मैं कहूं तो वेट मैनेजमेंट से बेस्ट जो इसका कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन से ही है. अगर अपनी डाइट को करेक्ट कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, लेकिन अगर आप पानी को प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो तो आपका वेट मैनेज नहीं हो सकता. तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमें देनी है वो हमें अपने वाटर इनटेक को देनी है. हमें वाटर इनटेक कितना करना है और कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लगे आज फिर ये भी बता दीजिए कितना करना है कैसे करना है. मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि वाटर इंटेक कितना करना है और कैसे करना है, ये भी हमें सीखना है, तो बता दीजिए ये भी. बिल्कुल बिल्कुल, ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोगों को मैंने यही कहते सुना है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें डेली बेसिस से 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ही चाहिए होता है, तो वो हम पीते हैं, हम अपने वाटर इनटेक को प्रॉपर लेते हैं, मैंने यही ही सुना है. लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि हमें पानी का जो इनटेक करना है, वाटर इनटेक करना है, वो हमें हमारे वेट के अकॉर्डिंग करना है. हमारा जितना वेट है हमें उसके अकॉर्डिंग पानी पीना है. लाइक हर 20 kg वेट के पीछे हमें 1 liter पानी पीना बहुत ज़रूरी है. यानी कि सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आप 60 को 20 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज हर 20 kg के पीछे हमें 1 liter वाटर कंज्यूम करना है. तो यानी कि 60 kg अगर आपका वेट है तो हमें 3 liters ऑफ वाटर इनटेक करना ज़रूरी है. और अब 3 liters ऑफ वाटर ऐसा नहीं है कि हमने सुबह उठे 1.5 liter हमने सुबह ही खत्म कर दिया और फिर हमने 1.5 liter हमने शाम को खत्म कर दिया और बीच में जितना टाइमिंग रहा उसमें हमने पानी पिया ही नहीं, लेकिन हमने कहा कि हमने तो अपना 3 liter पानी पूरा कर लिया. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. पानी को भी हमें पूरे दिन के अंदर डिवाइड करना है कि 3 liters वाटर अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मेरा वेट 80 kg है तो मुझे 4 liter पानी की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ये देखना है कि मुझे कितना पानी और कैसे कैसे डिवाइड करके पीना है. और एक और इसके अंदर एड ऑन करना चाहूंगी कि आपको पानी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक गिलास भरा और फटाफट आप उसको अंदर ले गए. अक्सर मैंने यही देखा है, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पिया, दूसरा गिलास पिया, तीसरा गिलास पिया. दिस इज द रॉन्ग पैटर्न. एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग पैटर्न. हमें पानी को खाना है, पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है. मींस हमें सिप 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 करके पूरे दिन में अपनी पूरी जो वाटर इनटेक है उसको लेना है. कि अगर हमें 4 liters की रिक्वायरमेंट है तो हमें पूरे दिन में सिप 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 करके अपने पूरे वाटर को फिनिश करना है. वंडरफुल इंफॉर्मेशन मैम, आई शुड क्लैप. इतनी अमेजिंग, मैं ऑलरेडी इतनी अमेज्ड थी कि आपने हमें अपना BMI, जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं, या कहीं आजकल वो डिजिटल मशीन्स आती हैं जिन पे खड़े होके हम BMI करते हैं, आपने एक छोटे से फॉर्मूले से, वो मैथ्स के फॉर्मूले से हमें कैलकुलेशन करनी सिखा दी और अपना वाटर इनटेक भी कैलकुलेट करना सिखा दिया. मैम आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इतनी डेप्थ में नॉलेज लेने की. थैंक यू मैम. मैम मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि आपने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन के बारे में बोला, मैक्रो और माइक्रो के बारे में बोला, हमें तो सिर्फ ये पता है कि अगर हम पालक खाते हैं तो उसमें आयरन होता है, दूध पीते हैं तो कैल्शियम, पनीर खाएंगे तो प्रोटीन. इतनी ज्यादा नॉलेज हमें नहीं है, तो उसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप.
बिल्कुल, मैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसे फैट्स हो गया, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें काफी सारी क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। जैसे फैट्स हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अगर मैं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो 30% हमारी डेली नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, 30% हमें फैट्स चाहिए होते हैं, 30% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, 40% हमें फाइबर चाहिए होता है। तो ये सारी क्वांटिटी को मिला के हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स काफी हाई क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। तो ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। लेकिन ये हमारी डेली डाइट में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की डेफिशिएंसीज, अगर हमारे अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसीज रहती हैं तो भी हम वेट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारा वेट मैनेज नहीं हो पाता। हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैम एक आपने स्लाइड में फूड पिरामिड दिखाया था जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थी, और हमने भी अपनी ईवीएस की बुक्स में पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में कि ये एक बैलेंस डाइट का पिरामिड होता है और सारा दिन हमें ये खाना चाहिए। बट एक हाउसवाइफ के लिए तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, डिनर में क्या और लंच में क्या। तो हम ऐसे अपनी थाली कैसे सजा सकते हैं कि इतने सारे न्यूट्रिशंस जो हमें वन डे में वी नीड फॉर दैट, तो वो हम कैसे, मैम ये तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना। नहीं, हमें देखो, या तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल है, लेकिन वो रिकमेंडेड क्या है कि हमें डेली बेसिस पे हमें या तो 7 और 8 कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं जो कि हमें रॉ खाने हैं। इससे आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल कर सकते हो। जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे डाइट के अंदर कवर अप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने कवर अप नहीं होते, लेकिन अगर हम चाहें तो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके माइक्रो को पूरा करना चाहते हैं तो आपको 7 और 8 कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको लेने पड़ेंगे, वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड हैं। तो मैम उसके लिए कोई ऑप्शन है तो बताइए, क्योंकि मैं आपको पहले कह रही हूँ कि 7 फ्रूट 7 वेजिटेबल्स और उसके बाद माइक्रो और ये सब, ये साइंटिफिक टर्म्स है, ये हमारी समझ में नहीं आएंगे, आप थोड़ा सिंपल कर दीजिए। बिल्कुल, बींग मोदीकेरियन, वी आर प्राउड मोदीकेरियन, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। हमारे पास इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। लाइक अगर मैं अपने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की को कवर अप करने की बात करूं तो हमारे पास वेल रेंज से हमारे मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की टैबलेट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर मैं अपने प्रोटीन्स लेवल्स को और अपने बाकी की सारी फाइबर्स वगैरह को कवर अप करने की बात करूं तो हमारे पास 2 कैटेगरी के प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एक प्लांट प्रोटीन है और एक प्रोटीन क्रस्ट है। उससे हम अपनी बाकी सारी जरूरतों को भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इवन देन मैं रमन, मैं आपको एक और भी गुड न्यूज देना चाहूंगी कि हमारे पास बच्चों के लिए भी ये सब है। हमारे पास बच्चों की कैटेगरी से भी स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग नाम से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो हमारे बच्चों के भी सारी इस न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकता है। मैम दैट्स ग्रेट, क्योंकि हम लोग तो डाइट से भी थोड़ा बहुत अपने अंदर कुछ न्यूट्रिशन डाल लेते हैं, बच्चे तो इतने चूजी हैं, बच्चे तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स में भी इतने चूजी हैं कि उनको न्यूट्रिशन देना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तभी कंपनी ने हमारा बहुत, हम तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए मोदी केयर का, समीर सर का, कि जिन्होंने हमारे लिए स्पेशल इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे लिए अरेंज किए हैं, क्योंकि वो हमारे हेड टू टो प्रॉपर हमारी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। मैम आपने जैसे 1-2 प्रोडक्ट्स के नाम बताए, मल्टी विटामिन, प्रोटीन क्रस्ट एंड ऑल, तो ये जो आपने पिरामिड दिखाया था उसमें तो आयरन, कैल्शियम, एवरीथिंग वॉज देयर, तो ये ओवरऑल कैसे कवर अप करते हैं ये कुछ सप्लीमेंट्स पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन को? देखिए, मैं अपने सबसे पहले मैं अपने प्लांट प्रोटीन की बात करना चाहूंगी। जो मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट जो प्रोटीन है वो टोटल प्योर प्रोटीन है, वे और सोए का प्रोटीन मिक्सचर है उसके अंदर। और आपने देखा होगा कि अगर आपने सुना होगा तो सोए और वे 2 ऐसे प्रोटीन है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, तो ये उन दोनों का मिक्सचर है प्लांट प्रोटीन। तो आप ये देखिए, ये हमारे प्रॉपर जो हमारे प्रोटीन्स को कवर अप करता है, यानी कि अगर हम 1 स्कूप उसका लेते हैं तो 8.7 ग्राम, 5 ग्राम हमें उस 1 स्कूप से मिल जाता है।
और जो दूसरा हमारा प्लांट प्रोटीन है उसमें प्रोटीन के साथ साथ सारे मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जितने भी 114 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हमें ओवरऑल हमें उनसे प्रोटीन क्रस्ट से मिल जाता है। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम अगर इनटेक करते हैं तो वाओ ग्रेट, पूरी प्रॉपर हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है वो उसको 100% कवर अप करता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल ऑडिबल, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। मैं ये पूछ रही थी कि न्यूट्रिशन की बात भी होगी और आपके सप्लीमेंट्स का भी पता चल गया कि दे आर कवरिंग ऑल द माल न्यूट्रिशन। हम इसको अगर वेट मैनेजमेंट से कनेक्ट करें तो ये कैलोरी को भी कुछ मैनेज करता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, हमारा वेट मैनेजमेंट का, वेट लॉस का सीधा सीधा कनेक्शन कैलोरी से तो ही है। अब मैं एक आपको एक एग्जांपल से देना चाहूंगी कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, पंजाबियों में स्पेशली वैसे तो सबके पसंद होते हैं परांठास, तो मॉर्निंग में एक परांठास की एग्जांपल लेना चाहूंगी कि सपोज हमने 2 परांठास मॉर्निंग में खा लिए, सीधा सीधा 1000 कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर चलेगी इन ब्रेकफास्ट ओनली। यहाँ पे हमने अपने अपना मील रिप्लेस किया, अगर मैं अपना मील रिप्लेस इन प्रोटीन शेक के साथ करती हूँ तो ये दूध के अंदर हमें नियर अबाउट 250 से 280 कैलोरीज देता है। तो आप देखिए कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के अंदर ही हमारी 750 कैलोरीज सेव हो रही है। हमने 750 जो कैलोरीज है हम लोगों ने डेफिशिएट कर दी मॉर्निंग में, हमने प्रोटीन शेक ले लिया, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कवर अप होगी। हम परांठास ले रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, ये सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, 114 न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है वो हमें सब मिल रहा है और कैलोरीज में लेस है। यानी कि 750 कैलोरीज हमने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ही डेफिशिएट कर दी। तो मैम ये जैसे आपने बताया कि कैलोरी को भी कंट्रोल करता है और वेट मैनेजमेंट करता है, मैंने भी लाइफ में बहुत पापड़ वेले हुए हैं वेट कम करने के लिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि लोगों में जैसे रैश डाइटिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, स्टार्वेशन में रहते हैं, वो भी वेट कम कर लेते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो ये थिंकिंग होती है कि हमारे तो जीन्स में है, हेरिडिटी है, पेरेंट्स से ही मिला है, हमने इनहेरिटेंस किया है ओबेसिटी को, और हमारे घर में तो ये रिचुअल है, ये एक परंपरा है, हम तो वेट कम कर ही नहीं सकते, तो वो लोग भी तो वेट कम ही कर ही लेते हैं, तो फिर आपके सप्लीमेंट्स अलग काम क्या करते हैं? अपने पहले तो मैं हेरिडिटी की करूंगी। हाँ जी, हेरिडिटी की चीज ऐड कर दूं कि सॉरी मैम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी नॉलेज देख के ना, तो मेरे क्वेश्चंस रुक नहीं रहे हैं। पहले मैं आपके इन 2 क्वेश्चंस जो आपने इकट्ठे दिए पहले मैं इनका आंसर दे दूं। हाँ जी जरूर। आपने 2 रैश डाइटिंग और मुझे उसके बारे में बोलना है। हाँ जी हाँ जी, और एक चीज और एक क्वेश्चन साथ में और एड ऑन किया है आपने कि जीन्स के ऊपर, कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमारे तो जीन्स में ही है, मेरे तो पेरेंट साइड में सारे मोटे हैं, मैं कैसे पतली हो सकती हूँ, तो वो ट्राई ही नहीं करते हैं, वो ट्राई ही नहीं करते हैं। तो इसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि मोस्टली लोग जो ये कहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली 30% हमारे जीन्स काउंट होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जीन्स काउंट नहीं होते, हमारी हेरिडिटी काउंट नहीं होती, लेकिन 70% हेल्थ हमारे कंट्रोल में होती है। 70% हम उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हमने सपोज हमने मेजर पार्ट, जैसे कि हमने 70% को हमने कैप्चर कर लिया तो 30% कैन बी कंट्रोल्ड, हम उसको कंट्रोल 30% जो रेस्ट ऑफ द 30% वी कैन कंट्रोल। यू आर एग्री विद मी कि अगर 70% हुई, अगर 70% हेल्थ को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया तो 30% वी कैन कंट्रोल, है ना? तो 70 और 30 के इस कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो वो लोग इस बहुत बड़े मतलब मिथ के अंदर है कि हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। दे कैन, अगर आपको कुछ ऐसा कोई लोग मिलते हैं तो यू कैन सजेस्ट देम कि ट्राई टू लूज योर वेट, ये आपकी हेरिडिटी। कुछ को ये भी, कुछ लोगों को ये भी मिथ होता है कि हम तो बचपन से ही ऐसे गोलू मोलू हैं, हम ऐसे रहेंगे। That is same with this ना, कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पैटर्नल साइड पे ऐसे हैं, तो सब सबका ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। 70% हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एक बहुत फैटी बॉडी में 70% फैट निकल गया तो इट्स ओके ना,
अगर 100% नहीं भी निकला तो 70% तो अपने कंट्रोल में कीजिए। तो मैम रैश डाइटिंग के बारे में आप कहेंगी, जैसे यूट्यूब पे लोग सर्च कर लेते हैं। एक मैं आपसे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जब भी मैं वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आती हूँ, जब भी मैंने लाइफ लॉन्ग कभी भी वेट मैनेज किया है, तो बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि आज ही हमने डाइट की, सिर्फ आज ही पराठे नहीं खाए तो फटाफट मैं वेट मशीन पे खड़ी हो जाती हूँ और देखती हूँ कि कितना वेट कम कर लिया। तो हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। और यूट्यूब पे भी आजकल बहुत अच्छे से थंबनेल होते हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम करें, तो मैं उस बारे में भी जानना चाहती हूँ कि वो भी मिथ है। बिल्कुल बिल्कुल 100% मिलता है। मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जब वेट पुट ऑन होता है तो वो कितना टाइम लेता है पुट ऑन होने में? क्या वो 10 दिन में आपका वेट पुट ऑन होता है या 15 दिन में पुट ऑन होता है? मेरी मैरिज हुई थी तो मैं 20 किलो ज्यादा हूं उससे। सालों लग जाते हैं। अगर मैं साइंटिफिकली रिसर्च के बारे में बताऊं तो हमारा 4 से 5 किलो वेट गेन होने में 6 से 7 महीने या इवन देन साल भी लग जाता है। इंचेस गेन होने में साल भी लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं कि हम लोग बहुत एक्साइटेड होके, क्योंकि मेरे भाई की शादी आने वाली है, मैंने ड्रेस पहननी है, तो मैं 10 दिन में अपना वेट 10 किलो कम करना है, तो हम यूट्यूब के पीछे भागते हैं, हम रैश डाइटिंग्स के पीछे भागते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी चीज ना तो इतनी रेपिडली मिलती है ना ही वो खोती है। ना हमारा वेट इतनी जल्दी गेन हुआ था और ना ही इतनी जल्दी लूज होगा। अगर बाय हुक और क्रूक आप लोगों ने ऐसे मेथड ऑप्ट कर लिए कि आपका वेट गेन हो, आपका वेट लूज हो भी गया, तो आप आफ्टर सम टाइम उसके साइड इफेक्ट देख लीजिएगा। आप उसके साइड इफेक्ट देख लीजिए। अगर आपने रैश डाइटिंग करी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट जैसे ही आप इस रैश डाइटिंग को छोड़ोगे, आपको डबल बाउंस बैक हो जाओगे और खाना खाने के बाद आपके इतनी जबरदस्त वाली ब्लोटिंग स्टार्ट होगी कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डेफिनेटली हैपन होंगी ही होंगी अगर आप रैश डाइटिंग करते हैं या फास्ट मेथड ऑप्ट करते हैं वेट लॉस के। मैम मैं टोटली एग्री हूँ, इसीलिए मैं हंस रही थी जब आप बता रहे थे कि भाई की शादी है और ड्रेस में, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल, मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैंने काफी बारी, इवन की लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैंने किया था, इवन मैंने किसी डॉक्टर से प्रॉपर डाइटिंग डाइट बनवाई थी प्रॉपर, जैसे कोई रैश डाइटिंग नहीं की थी, स्टिल मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ था, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि हो जाता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड चॉइस दे देते हैं आपको, जिसमें कहीं आप कोई ना कोई न्यूट्रिशन से लैक हो ही जाते हैं। तो मैम फिर सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है वेट कम करने का? सही तरीका यही है कि आप अपने सबसे पहले अपने डाइट को करेक्ट करिए। आपको पता होना चाहिए क्या चीज कब खानी है, कैसे खानी है और क्यों खानी है। ये आपको पता, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, When to eat and why to eat. ये चार चीजें आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडली जो लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि आपके टाइमिंग्स का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, आपके वाटर इनटेक का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, आपके स्लीपिंग का भी वेट मैनेजमेंट के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब देखो कि हम क्या करते हैं, आज की अगर हम सिनेरियो की बात करूं, होता क्या है कि हम लोग नेचर से ओपोजिट होके काम करते हैं। हम सो रहे हैं, जब हमने सोना है रात के 10 बजे और सुबह उठने का हमारा जो आइडियल टाइमिंग है सुबह 5 बजे का है, तो हम सुबह 4 बजे सो रहे हैं और 1-2 बजे उठ रहे हैं, यानी कि हम नेचर के ओपोजिट काम कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसके अंदर नॉलेज और एड ऑन करना चाहूंगी कि जब हम रात को सो रहे हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से रात को सोते हैं, तो रात को सोते टाइम हमारी बॉडी मैक्सिमम रिपेयर वर्क का काम करती है, यानी कि पूरे दिन में जितना भी हमने काम किया उसमें हमारे बहुत सारे सेल्स डैमेज होते हैं, तो उन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम हमारी बॉडी रात को करती है। उस रात को रिपेयर करने के दौरान बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है और कम से कम 1 लीटर वाटर मतलब हमारी बॉडी यूज करती है उस रिपेयर वर्क के लिए। तो सुबह हम क्या करते हैं, जब टाइमिंगली ना सोते हैं ना टाइमिंगली उठते हैं, तो जो उसका रिपेयर वर्क करने का काम होता है ना बॉडी का, वो उसका छूट जाता है। तो जब हमारे सेल्स रिपेयर ही नहीं होंगे तो वो धीरे 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 हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा आते चले जाएंगे, हमारे सेल्स डैमेज होते चले जाएंगे और हमारी बॉडी या तो अंडरवेट हो जाएगी या फिर ओवरवेट हो जाएगी।
तो ये वेट मैनेज नहीं रहेगा अगर हम अपने ऑपोजिट उसमें चलते हैं। तो स्लीपिंग का पैटर्न भी राइट होना बहुत जरूरी है, टाइमिंग राइट होना बहुत जरूरी है। तो मैम हम जैसे कि यहाँ पे खाली वेट लॉस की बात करने नहीं आए हैं, हम लोग वेट मैनेज करने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आए हैं, तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेम सप्लीमेंट काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, उनके लिए भी हमारा प्रोटीन क्रस्ट इज वंडरफुल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन उनको यूज करने के मेथड्स अलग हो जाते हैं, उनको हम मील रिप्लेस नहीं करवाते बल्कि उनके मील्स को एनहांसमेंट देते हैं प्रोटीन्स के साथ। उनके हम मील को रिप्लेस नहीं करवाते हैं, वेट लॉस के लिए हमें मील को रिप्लेस करना है और वेट गेन के लिए हमें मील्स की एनहांसमेंट करनी है। मैम ओबेसिटी से तो सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट कि ओबेसिटी से तो हमें डायबिटिक का खतरा होता है, हमें हाइपरटेंशन होती है, बीपी बढ़ता है। लेकिन मैंने बहुत बार अपनी फैमिली में देखा कि कुछ लोग बहुत स्लिम होते हैं, दे हैव अ आइडियल वेट, लेकिन स्टिल उनको डिजीजेस होती हैं, दे आर इफेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस। Definitely they are affected. उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, या तो गलत खाना। देखो हर चीज का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे डाइट से और हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ही है। वो उनका गलत खान पान इसमें बहुत बड़ा काम करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं है। जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, मैक्सिमम उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना कि उनको भूख ही नहीं लगती है। रीजन क्या है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, उनको भूख ही नहीं लगती है। वो कहते हैं हमें भूख ही नहीं है, तो वो घंटों 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 बिना मील्स के रहते हैं। और जब खाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये सब चीजें, क्योंकि हमारी बॉडी एक जो इंटरनल सिस्टम है ना, वो एक इंजन की तरह है। अब कार के इंजन को जब तक उसको प्योर और प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो क्या वो कार गाड़ी हमारी चल पाएगी? गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो जब वो प्रॉपर उसके अंदर फ्यूल ही नहीं डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ये सब चीजें, उनको माल न्यूट्रिशन भी होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डाइट को प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि ओवरवेट लोग ही डिजीजेस से ग्रस्त होते हैं, अंडरवेट लोग उनसे ज्यादा होते हैं। अगर आप एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने अंडरवेट लोग होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गलत खान पान और स्किपिंग, और उस मील्स स्किपिंग की वजह से भी अगर हम खाना ज्यादा खाते हैं तो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैट्स की परसेंटेज ज्यादा होती है, और अगर हम नहीं भी खाते तो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, अगर हम स्किप करते हैं, मील्स को स्किप करते हैं, बहुत लंबा गैप देते हैं मील्स के अंदर, तो भी हमारे अंदर फैट की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो दोनों का रिजल्ट। मैम मैं फिर से क्लैप करना चाहूंगी आपके लिए, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, इतनी अमेजिंग नॉलेज। मैं होप करती हूँ कि हमारे ऑडियंस भी बहुत, वो चैट में बता सकते हैं कि उनको कैसी लग रही है ये नॉलेज, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने खुद पर्सनली बहुत बारी वेट कम किया है और लोग अलग अलग तरीकों से कर भी लेते हैं, बट मुझे ये पर्सनली प्रॉब्लम रहती है कि वेट बाउंस हो जाता है वापस। तो अगर हम एक आइडियल वेट अपना निकाल भी लें, अब आइडियल वेट भी मुझे पता चल गया है कि BMI आपने जो कैलकुलेशन बताई हम उससे देख सकते हैं अपनी हाइट वगैरह से कि हमारा वेट कितना होना चाहिए, एक बार मैंने वो अचीव कर भी लिया तो हाउ कैन आई मेंटेन दैट वेट फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि बार बार नहीं मैं। आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको अपने लाइफस्टाइल को अगर आप मेंटेन करके रखते हो, अगर आपने अपने अंदर अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर लिया, आपने अपना पानी पीने का पैटर्न सही कर लिया, आपने अपना खाना खाने का टाइमिंग सेट कर लिया, आपको पता है कि मुझे सैलेड हर हालत में लेना ही लेना है, मुझे पता है कि मुझे अपने डाइट के अंदर प्रोटीन्स ऐड करने ही करने हैं, मुझे पता है मुझे विटामिन्स ऐड करने ही करने हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बैलेंस तरीके से बैलेंस टाइम के अंदर जाएंगी, तो ये कभी वेट पुट ऑन होगा ही नहीं, और आपको फिर दोबारा से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है वेट को मतलब रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप थ्रू आउट लाइफ, लॉन्ग लाइफ तक आप अपने आप को एज इट इज मेंटेन करके रह पाएंगे। मैम जो आप इतने सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि टाइम को लेके आप बहुत एनहांस कर रहे हैं और आप वो प्रॉपर डाइट को बोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं ये गवाना नहीं चाहती, आज मैं आपसे अपनी पर्सनल डाइट, मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाए, मैं भावना मैम से अपनी डाइट लिखवा कर रहूंगी और आप लोग भी अपनी कॉपी पेन से लेके बैठ जाइए और वो डाइट लिख लीजिए ताकि आप लोग उसको कोरिलेट कर सके। पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन भावना मैम से ये है कि मैम मैंने आपको एक ये मोदी केयर की मीटिंग में ही योगा करते हुए देखा था,
और मैं उस दिन से इतनी अमेज हो गई थी, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मुझे पता था कि आप इस टॉपिक को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर सच्ची में ट्रू इंस्पिरेशन है, और सच में मतलब हम सबसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। मैंने आपको योगा करते देखा, वहां पे हम लोग कम से कम 100-200 लोग थे, और वी आर नॉट एबल टू टच द फ्लोर। मैं तो अपने नीज तक ही अटकी हुई थी और आपकी पूरी हथेलियां नीचे। मैम आई वॉज सो अमेज दैट टाइम। पता नहीं मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना था या नहीं, बट मैं, मेरी क्यूरियोसिटी जो मुझे नहीं रोक पा रही है कि आपने इतनी अच्छी योगा की तो ये सप्लीमेंट्स तो आपको हेल्प कर ही रहे होंगे, बट क्या आप शुरू से ऐसे ही थे या आपकी भी कोई जर्नी है? जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत पापड़ बेले हैं बहुत बारी अलग अलग तरीके से, तो आप इतना अमेजिंग। और मैं चाहूंगी कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी एज शेयर करेंगे, क्योंकि लेडीज एज नहीं बताती अपनी। नहीं, आई विल शेयर माई एज डेफिनेटली इन दिस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई एम गोइंग टू कम्प्लीट माई हाफ सेंचुरी, मतलब माय गॉड, 50 50 ईयर्स आई एम गोइंग टू कम्प्लीट इन दिस सेप्टेम्बर ऑडियंस ओनली. इस बात पे तो तालियां हो जाए भाई, इतने जिंदा दिल हैं भावना जी। योगा में मैंने देखा, डाइट की नॉलेज देखी, और सामने भी मैं देख रही हूँ कि बहुत फिट हैं, इनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, हेयर्स भी पीछे से बहुत शाइन कर रहे हैं। मैम आप बता दीजिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कह रही हैं कि जीन से नहीं होता, हेरिडिटी से नहीं होता, तो क्या आप भी शुरू से ऐसी हैं? हाँ जी बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूंगी. आपने अब पूछ ही लिया तो मैं अपनी पूरी जर्नी जरूर बताना चाहूंगी. अभी पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आज से मैं भी एक चाइल्डहुड ओबेसिटी थी. मैंने मेरे अगर पेटर्नल साइड की तरफ पे आप देखोगे तो मेरे पूरी मदर साइड पे हर मतलब मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, फादर, मेरे वहां नाना के साइड पे हर कोई मोटा था. और हम लोग बहुत मजा लेते थे उस मोटापे का, कि हम तो खाते पीते खानदान के. मीन्स अगर हम लोग, एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी कि हम लोग हमारी वहां पे शादी पे गए कहीं उधर वाली साइड पे, तो मतलब लोग हमें देख के हंस रहे थे कि मोटो की बारात आ गई है. मीन्स एवरीबडी वॉज फैटी देयर. और हमें भी, मुझे भी नहीं लगता था. आई वॉज ऑल्सो, अगर मैं अपना वेट बताऊं तो मैं 90 क्रॉस कर चुकी थी. आई बिलीव लेकिन मैम, कांट बिलीव, मैं यू आर 90 सो क्रॉस कर फिट। चुकी थी, लेकिन वही कि तभी भी मोटा नहीं, मोटापा नहीं लगता था मुझे. मुझे नहीं लगता था कि मैं मोटी हूँ. बट हाँ, मोटापा तब लगना शुरू हुआ. और इवन देन कि डॉक्टर्स की विजिट्स भी फ्रीक्वेंट रहती थी. कभी सर्वाइकल की अटैक्स आ रहे हैं, सर्वाइकल की वजह से फीवर हो रहा है, कभी मुझे एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा रहती थी. और इवन देन मैं कहूँ तो मतलब घुटने इतने पेन होते थे कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, सांस इतनी ज्यादा फूलती थी. लेकिन फिर भी मैं मोटा नहीं फील करती थी, बिकॉज मेरी तो पूरी फैमिली में ये सब कुछ था जो मैं तो आपको भी ये मिथ हेरिडिटी था, जीन. आपको बिल्कुल भी ये मिथ मिथ था, था। बिल्कुल मिथ था कि मैं, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं तो ऐसी ही रहूंगी. हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ ये सब होगा. लेकिन लेकिन जब अगर मैं 10 साल पहले की भावना और आज की भावना, मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज और शेयर करूं कि मैंने शादी से पहले भी, मैंने अपना वेट 84 तक था मेरा वेट शादी से पहले भी. लेकिन वही शादी करनी थी इसलिए अपने वेट को रिड्यूस करने की सोची, तो 14 kg मैंने तभी भी वेट अपना रिड्यूस किया और 70 kg की हो गई थी. लेकिन वो तब मैंने अपनी सिर्फ डाइटिंग और तीन तीन चार चार घंटे अपने शरीर को तोड़ के किया था. वो जो बॉडी मैंने अपनी मतलब वो किया था. और उस टाइम जब मैं अनमेरिड थी तो पूरा फेस खराब हो गया था, पूरा हेयर फॉल हो गया था, वो सब साइड इफेक्ट्स बहुत हुए. और तो उसके आपने बाद ये फिर सब कुछ अपनी बॉडी पे भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल, आपसे हाँ पूछ जी, रही थी। क्योंकि शादी करनी थी ना इसलिए. पहले तो कभी नहीं फील होता था, उसके बाद शादी हो गई तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि अब कुछ नहीं है, अब तो मोटे हैं तो मोटे ही सही, इट्स बहुत ओके लोग फाइन. सोचते हैं ऐसे मैम, बहुत लोग सोचते हैं ऐसे। बच्चे हो गए, लेकिन बच्चों के बाद बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो गई तो फिर भी नहीं फील होता था. लेकिन जब फ्रीक्वेंट डॉक्टर की विजिट्स होने लगी ना, तो तब फील होना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा. नहीं तो एट द एज ऑफ 39 आई वॉज फीलिंग लाइक 60s. मीन्स जो 60 साल के बूढ़े लोग होते हैं, एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग लाइक दैट ओनली. मेरे घुटने इतने पेन होते थे, चला नहीं जाता था, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात थी, कुछ भी नहीं होता था. लेकिन फिर जब मैंने इस न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, तब मुझे जरूरत महसूस हुई, तो मैंने इस न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, इस टाइम को समझा, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट किया, अपने डाइट को करेक्ट किया, तो आज से
उस 10 साल के अंदर, उस 10 साल की जर्नी के अंदर मैंने अपना 24 केजी वेट रिड्यूस किया, एंड राइट नाउ आई एम, जो मेरा वेट रहता है वो 65 to 66 के बीच में रहता है। तो मैंने मैम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप सच में ट्रू इंस्पिरेशन हो। आप 39 में 60 का फील करते थे और अभी आप 50 में 20 का फील कर रहे हो, तो आप रिवर्स जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को दोबारा से जी रहे हो। मैं अपनी लाइफ में रियली मैं दोबारा से जी रही हूँ और कभी नहीं सोच सकती। हाँ, फेस से तो जब एज तो जो प्लस हो रही है दैट इज प्लस हो रही है, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं अपने आप को बूढ़ा फील करूंगी, बिकॉज ये इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ने और इस लाइफस्टाइल ने मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाई हैं। और मैं अपने आप को मिलवाना भी चाहूंगी आप लोगों से कि मैं आज से 10 साल पहले क्या थी। प्लीज मैम, प्लीज, वी ऑल विल लव टू सी दैट। देखे जरा आप इतना बता रहे हैं तो, ओह माय गॉड, इज दिस यू? हाँ जी ये मैं ही थी, अगर मैं 10 साल पहले no, की ma'am. बात करूं। फिर ये तो वही बात होगी, आपने कहा कि वो भावना अलग थी, ये भावना अलग है, तो ये सब सच में बहुत अलग है। हाँ जी बिल्कुल 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 मैम आपको बधाई देना चाहूंगी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। मैं चाहूंगी सारे जोरदार तालियों से मैम को बधाई दीजिए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, और हम बिल्कुल करेक्ट पर्सन से अपनी एडवाइस कर रहे हैं, करेक्ट पर्सन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो हाथ पकड़ के भावना जी हमें भी ले जाइए। मैं सच में बता रही हूँ, उस योगा क्लास में मैं भी थी और मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ था अपने लिए कि मैं सिर्फ 37 की हूँ। एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि आपकी एज क्या है, लेकिन मैम मैं तो बहुत एम्बेरस हुई थी कि मैंने बहुत जिम में एक्सरसाइज की है 6 years, पर स्टिल आई एम नॉट फ्लेक्सिबल, आई एम नॉट हेल्दी। सो अब मैम एक बार प्लीज आपका थोड़ा टाइम लूंगी, आप मेरे को वो डाइट बता देंगे जल्दी से बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखिए, आप मैं आपसे क्वेश्चंस करती जा रही हूँ, आप साथ साथ उनके आंसर्स देते जाइएगा मेरे को। आप प्लीज ये बता दीजिए कि आप मॉर्निंग को उठते कितने बजे हैं, फटाफट उसका आंसर देते, सो दैट मैं आपका आपको डाइटिंग चार्ट बना के दे दूं। मैम 6 to 7 के बीच में उठ जाती हूं। अच्छा 6 to 7 के बीच में उठ जाते हो, तो आप सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है 1 गिलास। ठीक है, वो आपने सुबह 6 बजे उठे हो तो 6 बजे उठते ही आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। आप सब लोग भी लिख सकते हैं, ये मेरी कोई पर्सनल क्लास नहीं हो रही है, ये आप सबके लिए है। सो आप सब लोग भी अपना पेन कॉपी उठाइए और लिख लीजिए, और क्योंकि इतनी अच्छी क्लास लेने पर आप लोगों ने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप सबके लिए भी क्लैप करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। बट मैं चाहूंगी कि अगर नॉलेज ली है तो जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, सिर्फ सुनने से, हम लोग सब जगह सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी कितनी बात हो रही है, प्रोटीन इनटेक कितनी बात हो रही है, बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन अवर लाइफ। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ आप सब लोग भी लिख लीजिए, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए। ठीक है मैम, नॉलेज यूज हो गया। आपने पहले नहीं, पहले खाली पानी पीना है आपको, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसके बाद आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये शो कर रही हूँ कि आप नोनी जूस, मैं मॉर्निंग में नोनी जूस लेती हूँ, तो आप कोई भी, चाहे वो एलोवेरा, आंवला, नोनी जूस, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे 10 to 15 ml या 20 ml, अगर आपको टाइमिंग ज्यादा हो गया तो आपने एक गिलास में डालना है, आप उसको नीट भी ले सकते हैं और उसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन मेरी फिर भी रहेगी कि अगर आप नोनी जूस, आंवला, एलोवेरा ले रहे हैं तो इससे इसके गिलास इसके साथ भी कम से कम 1 गिलास ल्यूक वार्म वाटर और ऐड कीजिए, और आपने दूसरा गिलास भी इसके साथ पीना है। देन उसके बाद आपने 30 to 40 minutes अपनी एक्सरसाइज पे फोकस जरूर करना है। अगर आप पूरे दिन में 30-40 minutes एक्सरसाइज को दे देते हो, दैट इज सफिशिएंट इनफ आपको अपने शरीर को तोड़ने की, 2-2, 3-3 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप 30 to 40 minutes मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद आपने क्या करना है, आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है विद इन हाफ एन आवर। आप अपने ब्रेकफास्ट पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे आप, हमारा ये प्रोटीन क्रस्ट और प्लस ये प्लांट प्रोटीन, इन दोनों को आप मिक्स करके डबल टोन्ड मिल्क के अंदर, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आप डबल टोन्ड मिल्क के अंदर आप इसको ले सकते हैं। आपने क्या करना है, 1.5 scoop हमारा प्रोटीन क्रस्ट
यूज करेंगे और वन स्कूप आप इसका प्रोटीन पाउडर का यूज, प्लांट प्रोटीन का यूज करेंगे। 250 ml डबल मिल्क टोंड दूध ले लेंगे और डबल टोंड दूध ले लेंगे और उसको आप ये चाहे तो वो आप गरम लेना चाहते हैं तो गरम भी ले सकते हैं। अगर आप मिक्सी में उसको शेक करेंगे तो वो बहुत डिलीशियस बनता है, तो आप उसको शेक करके एज अ ब्रेकफास्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो लोग वेट गेन करेंगे, जो लोग वेट गेन करेंगे वो इसको लेने के बाद अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लेना उनको यही ही है। और मैम जैसे आपने मिल्क के लिए कहा, इसको वो फुल क्रीम मिल्क के अंदर ले सकते हैं, जो वेट गेन करेंगे वो फुल क्रीम मिल्क के अंदर ले सकते हैं, इन दोनों प्रोटीन्स को ऐड करके वो फुल क्रीम मिल्क के अंदर ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने कहा मिल्क में, तो कुछ लोग दे हैव द लैक्टोज टॉलरेंस ना, उनको डाइजेस्ट नहीं होता मिल्क, तो वो कैसे बना सकते हैं इसको? वो इसको वाटर के अंदर बना सकते हैं। वाटर को वही सेम 250 ml वाटर लेना है। वाटर में आपने 1.5 प्रोटीन क्रस्ट डालना है, 1 स्कूप आपने प्लांट प्रोटीन डालना है, दोनों को मिक्स करके उसने उन्होंने शेक कर लेना है। क्योंकि हम मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं इसलिए वो उसके अंदर फ्रूट को ऐड ऑन कर सकते हैं कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए, और साथ में कुछ नट्स जैसे आलमंड्स वगैरह भी उसमें ऐड ऑन करके प्रॉपर एक डिलीशियस शेक बना के एज अ ब्रेकफास्ट उसको ले सकते हैं। ठीक है मैम। और साथ में उनको मल्टी विटामिन लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये शेक लेना। आप उसके इसके अंदर अपना मल्टी विटामिन एक जरूर ऐड ऑन करेंगे ब्रेकफास्ट के अंदर, क्योंकि मल्टी विटामिन ब्रेकफास्ट के अंदर ही रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग स्नैक में जैसे, उसके बाद आपको ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट सपोज अब आपने 6 बजे उठे, 6 बजे उठने के बाद आपने वो ले लिया, अपना ब्रेकफास्ट ले लिया 8 बजे तक आपने। एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि उठने के विद इन 1.5 घंटे और 2 घंटे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होना इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपका ब्रेकफास्ट होना। तो 2 घंटे से ज्यादा गैप करोगे तो वेट लॉस के प्रोसेस में रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको। तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे के बीच में अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप पानी की इनटेक को एज इट इज रखेंगे। अगर आपको अब आपको कैलकुलेट करना बता दिया कि आप अपने वाटर इनटेक को कैसे कर सकते हैं, आपने पानी इनटेक एज इट इज अपना अपने पास बॉटल भर के रखनी है, क्योंकि ग्लासेस से आप मेजर नहीं कर पाओगे कि आपकी बॉडी में कितने लीटर्स गया। ये शेक्स पीने के बाद भी आपने सिप 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 करके अपने वाटर इनटेक को प्रॉपर रखना है। ये आपने बॉटल अपने पास रखनी है और सिप 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 करके पानी पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है। अब आपने 11 o'clock तक, नियर अबाउट 11 o'clock आपने ग्रीन टी बना के लेनी है अपनी। ठीक है मैम, ग्रीन टी भी हमारा अपना प्रोडक्ट है या हमें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन टी भी हमारा खुद का ही प्रोडक्ट है। उस ग्रीन टी को भी हम सब लोग जानते हैं, हम वो ग्रीन टी को, ग्रीन टी भी हमने 11 बजे ग्रीन टी को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पूरी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो 11 बजे तक आप ग्रीन टी ले लेंगे। अब उसके बाद आपका होगा मिड डे स्नैक्स का टाइमिंग। मिड डे स्नैक्स के अंदर आपने क्या करना है, एक फुल प्लेट सैलेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, आपने फुल प्लेट सैलेड लेनी है। उसका टाइमिंग आपका 12 से 12:30 के बीच में हो जाना चाहिए, यानी कि 12 से 12:30 के बीच में आप अपना प्रॉपर सैलेड, सैलेड के अंदर आप ऐसा नहीं है कि एक खीरा काटा, एक टमाटर काटा, आपका सैलेड हो गया, नो आपको प्रॉपर अपना भर के प्लेट सैलेड खाना है, जिस सैलेड को खाने से कम आपको 10 से 15 मिनट्स लगे। आप सोच सकते हो कि 10-15 मिनट्स अगर आपको सैलेड खाने में लगाने हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 खीरे, 2 टमाटर या फिर साथ में बीट रूट, जो भी सीजनल है वो अपने जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एक छोटा बाउल स्प्राउट्स भी इन सैलेड के अंदर ऐड कर सकते हो। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा है हमारे सैलेड्स के अंदर अगर हम उसको मिक्स करते हैं। तो ये प्रॉपर एक फुल प्लेट भर के अपने 12-12:30 बजे इसको खाना है। देन उसके बाद आपने 1 से 2 बजे के बीच में अपना लंच कर लेना है। अब लंच के अंदर क्या होना चाहिए वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लंच के अंदर
कोशिश करो, रिकमेंडेड यही है कि आपका जो लंच है वो आपका जो दाल है वो आपकी लंच में होनी चाहिए, मींस जो पल्सेस है वो लंच में आपकी रिकमेंडेड है। आप एक बड़ी कटोरी दाल होगी, एक बिग बाउल आपका कर्ड होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अगर मैं चपाती की बात करूं तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको आपको कट बैक करना है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी 3 चपाती से अपना लंच कर रहे हैं तो आपको 1.5 लेनी है, अगर आप 2 चपाती से अपना लंच कर रहे हैं तो आपको चपाती 1 करनी है। यानी कि चपाती को आपको कट बैक करना है। आपने अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड, पल्स, इन सबको बढ़ाना है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है आपने, ठीक है? यस मैम। और उसके बाद फिर आपको हाफ एन आवर के बाद इसके अंदर खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको डिटॉक्स भी लेना है। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको डिटॉक्स भी लेना है, और खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको पानी आपने आधे घंटे तक नहीं पीना, आधे घंटे के बाद ही आपने पानी का इंटेक करना शुरू करना है। उसके बाद आपको फ्लैक्स ऑयल लेना बहुत जरूरी है, और अगर आप चाहो तो कुछ टाइम के बाद अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो तो स्पाइरोलिना भी ऐड कर सकते हो। मैम फ्लैक्स ऑयल और स्पाइरोलिना इकट्ठे ले सकते हैं एक टुगेदर? नहीं, सप्लीमेंट्स के अंदर थोड़ा सा गैप डालना बहुत जरूरी है, आप 10-15 मिनट्स का गैप जरूर डालिए हर सप्लीमेंट। मैम अगर लंच में जैसे कर्ड है तो फिर फ्लैक्स ऑयल आप तो पहले स्पाइरोलिना आधे घंटे बाद ले सकते हो, साथ साथ नहीं लेते। किसी भी दूध की बनी हुई चीज के साथ हमने फ्लैक्स ऑयल को यूज नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने इवनिंग स्नैक्स के अंदर आना है। अब यहाँ पे आके हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोग अपने आप को कोरिलेट भी कर रहे होंगे। आप देखिए कि हम यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है कि हम चाय का कप भरते हैं, शाम को भूख लगती है, और वो भूख ऐसी लगती है हर किसी को, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और यहाँ पे हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत हाई होता है। तो इस टाइम हमें यहाँ पे प्रोटीन बेस्ड अपने स्नैक्स देने बहुत जरूरी हैं। उस स्नैक्स के अंदर ये इवनिंग स्नैक्स हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लिए ब्रेकफास्ट और सारे मील्स हैं। तो इवनिंग स्नैक्स को लेना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इवनिंग स्नैक्स के अंदर हमने क्या लेना है वो भी बहुत जरूरी है, उसकी नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन बेस्ड हमारा किनोआ आता है जो मोदी केयर के अंदर है, किनोआ उसको भी हम बना के ले सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर है, फाइबर बहुत है, वो होल ग्रेन्स है, तो यानी कि ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। तो प्रोटीन बेस्ड हमने स्नैक्स लेने हैं जिसके अंदर हम किनोआ ऐड ऑन कर सकते हैं, भुने हुए चने ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा उसका भी आता है, मोदी केयर का किनोवा आता है, तो आप इसको भी एज अ स्नैक्स यूज कर सकते हैं। और इसके बाद किनोवा जो है, किनोवा मुझे जो आपने पैकेट दिखाया वो दलिया की तरह लग रहा था, जैसे हम नॉर्मल दलिया लेते हैं तो खाने में फिर वो चाहे दूध में बना लो या उसको नमकीन जैसे। दूध में इसको आप दूध में तो मत करो, आप इसको पानी में बना के नमकीन बना सकते हो। अगर आप मीठा बनाना चाहते हो तो आप इसमें व्हाइट शुगर ऐड ऑन ना करके या तो जैगरी ऐड कर सकते हो या फिर हनी या फिर हमारा स्टीविया पाउडर, अगर मीठा खाना चाहते हो तो, ठीक है? तो इसको ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आपने ये खाने के बाद स्नैक्स में और क्या ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि आप भुने चने ऐड कर सकते हो, किनोआ ऐड ऑन कर सकते हो, आप इसके अंदर सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो। सोयाबीन जो कि आधा घंटा पहले आप एक ल्यूकोम वाटर के अंदर सोक करके रख दोगे 8 से 10 पीसेस, तो उसको भी एज अ स्नैक्स आप यूज कर सकते हो। और ये सारा चीज आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो इवनिंग स्नैक्स के अंदर। और साथ में इवनिंग स्नैक्स में भी आपकी ग्रीन टी होनी बहुत जरूरी है, इवनिंग में भी आपको ग्रीन टी लेना बहुत जरूरी है। और फिर हम चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर में अगर आपने वेट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो पहले 7 डेज तो आप सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस करोगे विद प्रोटीन शेक, ठीक है? लेकिन 7 डेज के बाद अगर आप अपने वेट को
अच्छे तरीके से लॉस करना चाहते हैं, और जो ज्यादा फैटी हैं जिनका तो थोड़ा बहुत करना है, उनका तो मॉर्निंग सिर्फ ब्रेकफास्ट से हो जाएगा, लेकिन अगर जिन्होंने अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस करना है तो उनके लिए डिनर के अंदर भी, लेकिन वो आफ्टर 7 डेज, 7 डेज में सिर्फ ब्रेकफास्ट में लेना है, और डिनर आपने एज इट इज करना है, कम क्वांटिटी का, बिल्कुल लाइट। वो आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप एक चपाती ले सकते हो, आप उसको एज अ दलिया ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले, ठीक है। और उसके बाद आपने 7 डेज के बाद आपने एज इट इज अपने मील को रिप्लेस करना है ओनली विथ प्रोटीन क्रस्ट। रात को आपने प्लांट प्रोटीन नहीं लेना। डिनर हमने अगर 7 डेज के बाद अगर आप वेट लॉस पे आ गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपने 7 डेज के बाद अपने जो मील्स को, डिनर को आपने सिर्फ प्रोटीन क्रस्ट से रिप्लेस करना है। कोशिश कीजिए रात का जो डिनर है आप ल्यूक वॉर्म वाटर के अंदर ही प्रोटीन क्रस्ट लीजिए। रात के डिनर के अंदर आप दूध में नहीं, ल्यूक वॉर्म वाटर के अंदर ही प्रोटीन क्रस्ट लीजिए। अगर आपको फिर भी लेने के बाद कुछ टाइम के बाद भूख लग जाती है तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि पपाया वगैरह कुछ टाइम के बाद एड ऑन कर सकते हो इसके अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतनी वंडरफुल नॉलेज। मैं आपको अपना अगर पास्ट बताऊं तो मैंने वेट कम करने के लिए आज से 10-20 साल पहले बड़े से बड़े डाइटिशियन के पास गई हूँ, गंगाराम में भी जाती थी, बस 1-2 महीने करके, कोई प्रॉपर इतनी नॉलेज नहीं देता था। हम लोग एक ही फूड को खा के इतने बोर हो जाते थे, पर यहाँ पे तो लॉट्स ऑफ वैरायटी भी है। और सच में बताऊं तो ये सब देख के मुझे ये हो गया कि मेरा पेट भरा रहेगा, मुझे भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल, आपको 5 मील्स अ डे खाने जरूरी है। हमें भूखा नहीं रहना, हमें दिन में 5 बार खाना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी एडजस्ट करनी बहुत जरूरी है, टाइमिंग एडजस्ट करने बहुत जरूरी है हम। और जो हमारे इवनिंग स्नैक्स का टाइमिंग है, वो भी हमारा 5 to 6 के बीच में हो जाना चाहिए। जैसे लंच हमने 1 to 2 के बीच में ले लिया, तो 5 to 6 के बीच में हमारी ग्रीन टी और इवनिंग स्नैक्स भी हो जाने चाहिए। आपको भूख लगी है या नहीं लगी, आपको वो खाना ही खाना है। That is important. Thank you so much, ma'am. Great knowledge. इतना wonderful session था, इतना मजा आया, और मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी नॉलेज को मैं वेस्ट नहीं करूंगी, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करूंगी और आपको रिजल्ट शो करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी भावना मैम से प्रॉमिस करें, उन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, आपको इतनी डेप्थ में नॉलेज दी, तो हम सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सेशन भावना जी और रमनदीप जी, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों के लिए जोरदार तालियां, आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली आज हम सबको अवेयर किया कि हमें आज के समय, स्पेशली पैंडेमिक टाइम में, हम घर बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पर इस पैंडेमिक टाइम में कैसे हम अपनी हेल्थ की टेक केयर करें। आपने सब सारे एरियाज कवर कर दिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू भावना जी, रमनदीप जी। रमनदीप जी, आपका भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने हमारी तरफ से पूछे, आपकी वजह से हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो थैंक यू रमनदीप, आपको भी ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अभी सबसे जरूर लूंगी फीडबैक। तो इन द मीन टाइम हमारे बीच में से भावना जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने कैसे अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज और रूटीन को फॉलो करके कैसे उन्होंने अपने वेट को कम किया। तो हमारे बीच में एक और ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत जल्दी अपना वेट मैनेज किया, वेट को रिड्यूस किया, तो मैं उनसे भी मिलवाना चाहती हूँ। एक बार उनका वीडियो देखते हैं और फिर उनसे भी मिलते हैं, और फिर भावना जी, सर भावना जी, और दोबारा से मिलेंगे भावना जी और रमनदीप जी से। तो हाँ जी, मैं मीता से ही पूछूंगी। मीता, आप हैं हमारे बीच में, तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि आज का वेट मैनेजमेंट का आपको कैसा लगा सेशन,
और आपने खुद को कैसे कोरिलेट किया उस सेशन के साथ? ओवर टू मीता। सेशन था भावना मैम का और अमनदीप मैम का, बहुत ही अमेजिंग सेशन था। मैम ने वो चीजें बताई जो मैंने एक्चुअली नहीं फॉलो की थी, बट अब मैं और अगर मैं वेट रिड्यूस करूंगी तो मैं डेफिनेटली उनके तरीके से ही चलूंगी। बट आई रियली वॉन्ट टू टेल की एक्चुअली आई मीन अ ज्वाइंट फैमिली और मेरे थोड़े हस्बैंड की तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो मैं ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ कि टाइम पे नाश्ता और टाइम पे लंच और उस तरीके से कि अपने लिए स्पेशली मैं कुछ कर पाऊँ। सो बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली मैं ये सब फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मेरे लिए मेरे जीवन में मोदी केयर की जो हेल्थ सप्लीमेंट्स आई हैं वो मेरे को मेरी पर्सनालिटी वापस दिलवाने के लिए ही आई थी। एक्चुअली मैंने सिर्फ दो चीजें मोदी केयर की बहुत बहुत सीरियसली फॉलो की। मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप मैं सबके लिए काम करती हूँ, सब पे पैसे स्पेंड करती हूँ, बट अपने लिए मैंने कभी पैसे खर्चे नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब बजट में से मुझे अपने लिए 1500 पे मुझे अपने पे हर महीने खर्चने ही खर्चते हैं। उसके दो तरीके थे, या तो मैं जिम जा सकती थी बट अगेन उसका टाइम ही नहीं था जाने का, बीइंग इन अ फैमिली है सबके पास अपनी रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। तो मैंने मोदी के सप्लीमेंट्स लेनी शुरू की, तब इंटेलेक्ट आती थी तो मैंने वो लेनी शुरू की, उससे मेरा माइग्रेन और सर्वाइकल बहुत ज्यादा ठीक हुआ। जब वो सप्लीमेंट्स बंद हो गए इंटेलेक्ट, देन आई स्टार्टेड विद नोनी एंड डिटॉक्स जो मैंने फॉलो किया है लगातार 6 महीने की। जैसे मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ और शाम को जोत जलाती हूँ, ऐसे ही मुझे नोनी और डिटॉक्स तो लेना ही लेना है। चाहे मैं कहीं भी घर से जा रही हूँ, अपने पर्स में एक अपना स्मॉल बॉटल जिसके अंदर मैं अपने 2 दिन का नोनी लेके साथ चलती थी, कि ये मैंने मिस नहीं किया 6 महीने रेगुलरली। और मैंने 12 से 13 किलो अपना वेट रिड्यूस किया था और अब मेरी बॉडी ऐसी इम्यून हो गई है कि जिस दिन जैसे मैं रोज नहीं लेती हूँ, मैंने फिर 1 साल तक कंटिन्यू किया, देन आई गेव अ ब्रेक। और फिर मैंने अब मेरे को क्या होता है कि जैसे मैंने हफ्ते में 2 या 3 दिन अब मैंने सप्लीमेंट्स चेंज कर लिए हैं, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, इंटेलेक्टिव वापस आ गई है, वो सब शुरू कर दिया है। बट अगेन मुझे लगता है कि मैं शादी पे गई हूँ या मैंने हैवी खाना खा लिया है, तो मैं उस दिन फिर से नोनी और डिटॉक्स ले लेती हूँ और मेरी बॉडी फिर से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। यू नो लेडीज को फील हो जाता है ना कि आज कपड़ा टाइट हो रहा है तो बॉडी हैवी हो गई है, और अगले दिन अगर मैं रात को मैंने डिटॉक्स और नोनी टाइम से ले लिया, नेक्स्ट डे मुझे वो कपड़ा फिर से ठीक आता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए तो ये संजीवनी बूटी जैसी है कि ज्यादा खा लो, नोनी डिटॉक्स ले लो और वापस नॉर्मल हो जाओ। सो आई रियली सजेस्ट कि आप मोदी की सप्लीमेंट्स लीजिए, बाकी वो फॉलो जरूर कीजिए जो अभी मैम ने बताया है। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी सप्लीमेंट जरूर लीजिए, वो डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे आपकी बॉडी। थैंक यू मीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, वापिस से मिलते हैं भावना जी से और उनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि भावना जी, ये तो आपकी जर्नी हमारी हेल्थ के साथ रही, अगर मैं बात करूं आपका आने का रीजन और आप क्या पाना चाहते हो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में मोदी केयर से, तो भावना जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी मैम, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल टू शीतल जी कि जिनकी वजह से मैं मोदी केयर में इंट्रोड्यूस हुई थी। और मेरा यहाँ पे आने का कारण प्रोडक्ट क्वालिटी ही थी। मैं अपने हेयर के ट्रीटमेंट के लिए मोदी केयर में आई थी, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे हेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, तो मैंने अपने स्किन के लिए भी इनको यूज़ करना शुरू किया, स्किन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई। तो धीरे धीरे मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स चेंज किए और मैंने अपनी हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट इसको लेना शुरू किया। मैंने नोनी जूस शुरू किया, मैंने मल्टीविटामिन शुरू किया। यहाँ पे मैं अपना एक रिजल्ट भी बताना चाहूँगी कि मल्टीविटामिन और नोनी जूस लेने की वजह से मेरे को पिछले 8 से 10 सालों से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। मतलब मैं कभी डॉक्टर, मैंने बताया कि मैं वैसे तो पिछले 10 साल से कभी भी डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी और मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद भी नहीं करती और मैं इस प्रॉब्लम को लेके भी नहीं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये नोनी जूस और मल्टीविटामिन को लेते 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 मेरे को नहीं पता कि ये मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्टेड आउट होगी। और आई एम सो अमेजिंग कि मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन मुझे ये लेते हुए 2.5 और 3 महीने हुए हैं इन सब सप्लीमेंट्स को लेते हुए, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम दिस वंडरफुल प्रोडक्ट्स। अभी प्रोडक्ट्स की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, प्रोडक्ट्स को मैंने सबको शेयर करना शुरू किया, खुद यूज किया, खुद अच्छी एक 100% यूजर बनी, लोगों को शेयर करना शुरू किया, लोगों को शेयर करते करते आज ड्रीम्स भी जागने शुरू हो गए हैं। मैंने अपना गोवा भी क्वालिफाई कर लिया, 3rd मंथ भी मेरा क्वालिफाई हो गया है और मैं अपने पार्टनर्स के साथ मेरी सीट्स रिजर्व हो गई हैं। और अब मैं नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम है वो ये कि मैं अपने बच्चों के लिए
यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जाना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा ड्रीम है कि मैं यहाँ से अपना एक घर लेना चाहती हूँ, जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लिख रखा है कि मैं 2023 में अपना घर बनाऊंगी मोदी केयर से, और पूरी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप भी जाऊंगी, और अपने बच्चों के लिए एक इतना बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ के मतलब दुनिया से जाऊंगी कि जो स्ट्रगल मैंने किया वो मेरे बच्चों को यहाँ बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो ये मेरा अपने बच्चों के लिए कमिटमेंट है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना चाहती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया भावना जी, थैंक यू सो मच। और यही कहूंगी, आपने जितने ड्रीम्स देखे हैं, जितने भी आप गोल लिखते हो या ड्रीम्स देते हो, ये विजन बोर्ड पे जो भी आज तक आपने लगाया और जो आगे लगाओगे, आपकी सारी विशेष पूरी हो, ये हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच भावना जी। तो चलिए अब रमनदीप जी से जानेंगे। रमनदीप जी, आपका आने का रीजन और आपने क्या पाया और अब क्यों क्योर कर रहे हो मोदी केयर? हाँ जी रमनदीप जी। मैम मेरा रीजन तो हेल्थ ही था, हेल्थ के लिए मैं शुरू से ही बहुत अवेयर रही हूँ। लास्ट ईयर मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मैं काफी वीक हो गई थी, और मैंने देखा कि पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, बट जो घर में जो औरत होती है वो सबकी केयर करती है, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो उस तरीके की केयर नहीं मिलती है। तो उससे मैं इमोशनली बहुत हर्ट हो गई थी। तब मुझे भावना मैम का मैं थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्हें मैं जानती भी हूँ, तो उन्होंने मेरी हेल्थ प्रॉब्लम देखी और मुझे हेल्थ के सप्लीमेंट्स दिए जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैंने एज अ कंज्यूमर ही मोदी केयर स्टार्ट किया था। मैंने जो भी सप्लीमेंट्स लिए उनसे मेरे हेयर, मेरी स्किन, इवन कि मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम थी कोलेस्ट्रॉल की, वो भी इम्प्रूव हुई। बस उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी से मैं इतनी ज्यादा अटैच होती चली गई, बिजनेस करने का मेरा कोई भी दूर दूर तक कोई था ही नहीं मन में, और फिर बिजनेस में आगे, क्योंकि जब मेरी हेल्थ को सबने देखा, घर में देखा, इतनी एक्टिव हो गई है, सुबह से शाम तक इतनी एक्टिव होके काम कर पाती है, पूछा, लोगों ने पूछा, मैंने बताया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये तो सिंपल सी जर्नी थी, जहाँ सपनों की बात है, मैम सपने कभी देखे ही नहीं थे, कोई सपना नहीं देखा था, झूठ नहीं बोलूंगी। जब पूछा गया था तो पूरी रात सोचती रही थी कि मुझसे पूछा गया सपने, ये सपने क्या होते हैं, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस मेरी फैमिली में सब कुछ, जब से मेरी मैरिज हुई मुझे सब कुछ हैंड टू हैंड मिला, जो चाहा, जो गाड़ी चाहिए, जैसा चाहा वैसा पहना, वैसा खाया। बहुत सारे अपने हस्बैंड के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी गई हुई हूँ, सिंगापुर, फ्रांस सब घूमी हुई हूँ, तो ऐसा लगता था सेटिस्फाइड लाइफ है, कुछ नहीं है। लेकिन जब पूरी रात मैंने सोचा तो मुझे लगा कि एक लाइफ में वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, एक डिग्निटी बहुत बड़ी चीज होती है। और जब भावना मैम से मुझे पता चला कि गोवा का ट्रिप आया है, उसे क्वालिफाई करना है, तो अंदर से वो सपना अपने आप ही जाग गया कि मुझे ये गोवा घूमने जाना है। दुनिया घूमी है लेकिन ये ट्रिप मुझे अपने दम पे क्वालिफाई करना है, अपने बच्चों को लेके जाना है, अपने हस्बैंड को लेके जाना है, और मुझे उनको घुमाना है कि मैं अपने किसी बिजनेस से उनको लेके जा रही हूँ। तो मैं गोवा क्वालिफाई कर चुकी हूँ, बहुत टाइम नहीं हुआ इस बिजनेस में आए हुए, फिर भी इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, मुझे भावना जी इसमें लेके आई थी, उनके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। बट यहाँ पे आने के बाद शीतल मैम ने, गीतांजलि मैम ने मुझे ऐसे अपनाया है, मुझे हाथ पकड़ के चलाया है, मुझे अभी भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, लेकिन गोवा क्वालिफाई हो गया, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना है, घूमने का बहुत शौक रखती हूँ, मोदी केयर में सिर्फ घूमने के लिए जुड़ी हूँ, बहुत घूमूंगी, सारी फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई करूंगी, बस यही सपना है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरी जो हालत थी हेल्थ की, मतलब अपने लिए गिलास का पानी उठा के भी पीना मुश्किल था, आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ, मैं अपने से जुड़े हुए हर हर वुमेन को, चाहे वो मेरी मम्मा है, चाहे वो मेरी फ्रेंड है, चाहे वो मेरी गली में कोई रहती है, जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसकी भी लाइफ इतनी वंडरफुल बनाना चाहती हूँ इन वंडरफुल प्रोडक्ट्स के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू